हाई गाइज़, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का नया चैप्टर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या सरप्राइजेज हैं, क्या चेंजेस हैं इस नए चैप्टर में। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। आपके सामने हैं यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर वन वी हैव इज़ कार्मिक कंप्लीशन, एंड कार्ड नंबर टू इज सरेंडर। सो जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जिस भी कलर के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो वाला कार्ड आप चूज करिए। एंड यू विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर वन। हेलो गाइज, ग्रुप नंबर वन, तो आपने चूज करा है कार्ड कार्मिक कंप्लीशन। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो नया चैप्टर आ रहा है आपकी लाइफ में, इसकी थीम क्या रहने वाली है। सो ग्रुप नंबर वन की थीम क्या रहेगी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। सो वी हैव फॉलो योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को फॉलो करने वाले हो इस नए चैप्टर में। आपके जो भी सपने हैं जिनको आपने अभी तक इग्नोर करा है, जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया है, या आपका कोई एम है, गोल है, तो आप डेडिकेटेडली उस चीज़ को फॉलो करने वाले हो। आपको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आप बहुत टाइम से एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए थे जहाँ पे आप चाहकर भी उन चीज़ों को आप नहीं पा रहे थे जो कि आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो फाइनली अब आपको यूनिवर्स को मौका देंगे जहाँ पे अपने सपनों को आप फॉलो करो, जहाँ पे अपने सपनों को आप जियो और अपनी लाइफ में आप कुछ अच्छा करके दिखाओ। देन वी हैव कम्युनिकेशन। सो काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, कम्युनिकेशन बनेंगे आपके इस नए चैप्टर में। नए लोगों से मिल सकते हो, नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आपको किसी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का, किसी मैसेज का, ईमेल का, टेक्स्ट का, यू नो, कॉल का इंतज़ार है, तो ये जो टाइम आ रहा है आपके लिए उन चीज़ों को लेके आ रहा है। और आपको मे बी कम्युनिकेशन के थ्रू कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। और इवन ये भी हो सकता है कि जिन लोगों से आपकी बात नहीं हो रही है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करके भी आप काफ़ी उनके साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करने वाले हो। सो काफ़ी आप वोकल रहोगे इस नए चैप्टर में। देन वी हैव परसिवियरेंस। सो भले ही आपको इनिशियली एफर्ट्स थोड़े लगाने पड़े अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए, बट स्टिल आप आप रुकोगे नहीं इस बार। आप एकदम जो आपका रहेगा ना कि हाँ मुझे ट्राई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, तो अपना एफर्ट जो है वो कंटिन्यू रखोगे। भले ही आपको शुरू में इतने चेंजेस नज़र ना आए, बट लॉन्ग रन में आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और आपका जो मेहनत है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि नया चैप्टर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ग्रुप नंबर वन। सो वी हैव फाइव ऑफ कप्स, द सन कार्ड। सो फाइनली अपना अपना जो पर्सपेक्टिव है वो आप बदलने वाले हो। अभी तक आप उन चीज़ों के लिए परेशान थे, उन चीज़ों को लेके आप रो रहे थे जो कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड अब नहीं कर रही है। उन लोगों को लेके आप रो रहे हो, या पास में जो हो गया उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपको, या जो चीज़ें आपके पास थी और अब वो दूर चली गई आपसे, आपको उन चीज़ों का बहुत रिग्रेट है। आप उन चीज़ों को लेके अभी तक परेशान हो या दुखी हो, या आपका अगर बहुत हार्श वाला कोई ब्रेकअप हुआ है, या आपका कुछ सपना था जो पूरा नहीं हो पाया इन द पास्ट, या इमोशनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी, और अभी तक उनकी जो मेमोरीज हैं वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं हैं, वो जो बुरी यादें हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक आपको डराती हैं, आपको वो जो दुख देती हैं वो चीज़ें, अगर आप उनके बारे में सोचते हो तो वो चीज़ें पे अभी भी आप फोकस कर रहे हो, या अभी भी आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा बैठे हुए हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में। बड़े नया चैप्टर जो है ये आपको फोर्स करेगा टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ। कब तक आप उस तरह से डिप्रेशन में रहोगे? अब ये नया चैप्टर में आपको एक नई एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप खुद ऐसा महसूस करोगे कि मैंने अपनी लाइफ का बहुत प्रेशियस टाइम जो है वेस्ट करा है फालतू की चीज़ों के ऊपर, फालतू के लोगों के ऊपर, फालतू के ऐसे मुद्दों के ऊपर जिनका आप कोई वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में। तो आप जो है अपना पर्सपेक्टिव आप डालने वाले हो टूवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स, टूवर्ड्स द पॉजिटिव एरिया, टूवर्ड्स ग्रोथ, सक्सेस, और आपकी लाइफ में आपको आगे क्या करना है, क्या बनना है, क्या आपके गोल्स हैं। सो जो भी है, जस्ट लाइक अ सनफ्लावर। सनफ्लावर
जो है वो हमेशा टर्न करता है टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो आप एक सनफ्लावर बनने वाले हो अपनी लाइफ में, जहाँ पे आपकी लाइफ में अगर 1000 प्रॉब्लम्स भी चल रही, तब भी जो आपका पर्सपेक्टिव है इट विल बी टूवर्ड्स कि ठीक है, मुझे पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या मेरी लाइफ में अच्छा चल रहा है, मैं किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी, एंड इवन आपकी लाइफ में बड़ी गुड न्यूज़ भी आ रही है, कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है आपको। जैसे कि ये हो सकता है कि आपका कोई काम था जो आपने पहले बहुत ट्राई किया, वो नहीं हो रहा था, आपको उसमें हार ही मिल रही थी, बट फाइनली अब वो जो काम है वो आपका बन जाएगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी सेलिब्रेटिंग। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है, कुछ लोगों के लिए यू नो न्यू हाउस, या फिर कुछ लोगों के लिए लोकेशन चेंज है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए नया व्हीकल है यहाँ पे, बट यस एक नई फ्रेश एनर्जी जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड, सो यस न्यू पैशनेट बिगनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ फाइनली। जैसे कि अभी तक ना आपका सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बट वो एक जुनून नहीं था, वो पैशन नहीं था आपके अंदर, वो एक मतलब दैट आइडिया कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, वो चीज़ नहीं थी आपके अंदर कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ अपनी ज़िंदगी को, मैं किस रास्ते पे जाऊँ अपनी लाइफ में। तो वो एक रास्ता, वो एक पर्सपेक्टिव, या आप बोलोगे कि वो एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, और आपको खुद को अंदर से वो फीलिंग्स आएंगी कि यस मुझे अपनी लाइफ में पैशनेटली चीज़ों को अब हासिल करना है। आपके अंदर एक एक एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी कि यस मुझे अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाना है, और मुझे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है ऑन नेगेटिव पीपल और नेगेटिव सिचुएशंस या फिर पास्ट के ऊपर। सो यस न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू एनर्जीज एंड गुड हेल्थ इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड, सो अगर आप इस पाथ पे चलते हो ना, तो आप एक्चुअली में अपनी लाइफ के किंग ऑफ वॉन्ड्स बन सकते हो, जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, जो कि अपनी लाइफ का अपना एक लीडर है, जो कि यू नो जिसकी बातों में वजन है। अभी आप अगर कुछ किसी को बात कुछ बोलते भी हो, आप सही भी हो, बट लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं आपकी बातों की इतनी, बिकॉज आपकी बातों में वजन नहीं है, राइट? बिकॉज आपकी खुद की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा लो है। जब आपकी एनर्जी जो हायर लेवल पे पहुंचेगी, तो आप जो जो बोलोगे ना, आपकी हर वर्ड्स पे ध्यान दिया जाएगा, आपकी सलाहें ली जाएंगी, ठीक है? आपको एक एक स्ट्रॉन्ग फिगर के रूप में देखा जाएगा, और आप बन रहे हो अपनी लाइफ में, आप सक्सेसफुल हो रहे हो। आई आई फील कि अगर यू नो आपका करियर वाइज वगैरह बहुत परेशान थे कि यू नो आपका कहीं सेट नहीं हो पा रहा है करियर, सो आने वाला टाइम आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस लेके आ रहा है इन योर करियर, और आप बहुत अच्छी पोस्ट पे, पोजिशन पे पहुँच रहे हो, जहाँ पे एवरीबडी इज़ रिस्पेक्टिंग यू, योर फैमिली, योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, एंड इवन आप अपने खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो। अभी आई फील कि आप अपनी खुद की भी केयर नहीं करते हो, तो अब आप आने वाले टाइम बहुत अपनी केयर करने वाले हो। आप कैसे दिख रहे हो, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप उसका बड़ा ध्यान रखने वाले हो, और आपका जो विजन रहेगा ना, इट विल बी लाइक कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे रिच बनना है, मुझे बड़ा बनना है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, वो पैशन, वो जुनून होगा आपके अंदर कुछ कर दिखाने का अपनी लाइफ में, और आप उसके लिए हर एफर्ट लगाने को तैयार हो, क्योंकि आपको अब टॉप पे पहुँचना है अपनी ज़िंदगी में। और आप ना अब बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल बन रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अब ना वो इमोशनल फूल आप नहीं रहोगे, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी मिला है अपनी लाइफ से और लोगों से। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो करना है मुझे प्रैक्टिकली करना है, ठीक है, मुझे इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है, बिकॉज अदरवाइज फिर से वो एक वीक पॉइंट हो, तो अब ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो अपनी लाइफ को लेके। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ग्रुप वन, लेट्स सी सो वी हैव ग्रेट हैप्पीनेस। सो आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है, बड़ी बड़ी गुड न्यूज़, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो यहाँ पूरे हो रहे हैं, सो यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी इन योर लाइफ। देन वी हैव मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, सो फाइनली ये जो कन्फ्यूजन सा था आपकी ज़िंदगी में, ये जो यू नो आपने अपने आप को दलदल में फंसा रखा था कि मैं क्या करूँ, मैं बाहर कैसे निकलूँ इन सब चीज़ों से, सो फाइनली वो एक कार्मिक कंप्लीशन यहाँ आपको मिल रहा है, और अपनी लाइफ में आप एक क्लियरली सोच पा रहे हो, और आपको लाइफ का नया रास्ता नजर आ रहा है। देन वी हैव वैली डी पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। सो आप जब तक आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ अच्छा नहीं होगा, तब तक आप यू नो अपनी लाइफ में बेटर नहीं कर पाओगे। तो आपका जो रिलेशनशिप है आपके खुद के इंडिविजुअल सेल्फ के साथ, वो बहुत अच्छा हो रहा है, आप अपने अंदर बहुत पीस में आ रहे हो, आपको अपने अंदर वो एक स्ट्रेंथ महसूस हो रही है, बस अभी आप बहुत वीक हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा
एक वॉर चल रहा है, तो जब तक वो वॉर शांत नहीं होगा, तब तक वो पीस नहीं होगा, तब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं पहचानोगे, तब तक यू नो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको वो करना है ताकि वो सक्सेस आपको मिले जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। देन वी हैव जनवरी, तो आई थिंक ये जो भी प्रोसेस है आपका, ये आई थिंक जनवरी तक आपका पूरा होगा एंड जनवरी तक आपके सारे ड्रीम्स जो हैं पूरे हो जाएंगे। सो जनवरी तो आने वाला है, ज़्यादा दूर भी नहीं है वैसे जनवरी, ठीक है। सो आई थिंक इट्स जस्ट फोर मंथ्स अराउंड। सो आई थिंक ये 4 मंथ जैसे कि आपको एक मिल रहा है एक टाइम फ्रेम कि ऐसे मंथ्स यूटिलाइज करो ताकि आपको आपकी जो ड्रीम है, जो आपकी विश है, वो फुलफिल हो सके। ओके, चलिए यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 1। सो वी हैव ट्रिपल स्पायरल, लिसनिंग टू डिवाइन विजडम एंड जॉयफुली लर्निंग लाइफ लेसन्स। सो डिवाइन आपको जो भी सिखा रहे हैं, जो भी विजडम दे रहे हैं आपको लाइफ लेसन्स के थ्रू, तो वो एक तो एक है कि आप उसको दुखी होकर सीखो, एक है आप उसको हंसते हुए सीखोगे, ठीक है ये मेरा लाइफ का लेसन है, ये मेरे को डिवाइन सिखा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन जो है वो मेरे गुरु हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे माँ बाप हैं। तो आप उस फॉर्म में उसको लेके देखोगे, ठीक है वो जो भी अगर कुछ कर रहे हैं मेरी लाइफ में तो मुझे वो लेसन दे रहे हैं ताकि मैं अपनी लाइफ में वो ध्यान रखूं और मुझे लाइफ में आगे प्रॉब्लम ना आए। तो आपको आप उसको इस सेंस में लो। देन वी हैव इनसाइट, ओपन द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन। आई थिंक यू शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई जो है वो ब्लॉक है और आप अपने इंट्यूशन को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। बिकॉज आपका इंट्यूशन अगर अच्छा होगा तो आपको सही और गलत में फ़र्क समझ में आ जाएगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप अपने आप की लाइफ वेस्ट नहीं करोगे, जो राइट चीज़ें हैं आपका फोकस जो है उस पर जाएगा और इवन विद मेडिटेशन आपका फोकस ही बढ़ेगा चीज़ों पे। देन वी हैव टाइम टू शाइन, क्रिएट द एनर्जेटिक रेजोनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। तो अब जो है आपका टाइम है शाइन करने का, लेकिन आपको उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले आपको अपनी एनर्जी को उस सक्सेस के साथ रेजोनेट करवाना पड़ेगा ताकि वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ में आ सके। सो अपने आप की एनर्जी वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ ताकि आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, क्योंकि वो रेडी है। इट्स लाइक कि सनलाइट तो है बाहर, लेकिन अगर आपने खिड़कियाँ बंद कर रखी हैं सारी, तो फिर सनलाइट अंदर कैसे आएगी? तो सनलाइट तो है, वो गोल्डन शाइन तो है बाहर, ठीक है, बस आपको वो खिड़की खोलनी है ताकि वो आपके ऊपर गिर सके वो सनलाइट, ठीक है, आप तक पहुँच सके वो। तो ओपन दैट विंडोज़ जो आपने बंद कर रखी हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एंड फिर देखो कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प, गाइडेंस और एक पर्सपेक्टिव मिला हो लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उसका। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। बाय, टेक केयर। हाई गाइज, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करा है कार्ड सरेंडर। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 हम चेक करते हैं कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी थीम क्या रहने वाली है। सो थीम फॉर दी ग्रुप नंबर 2 पीपल फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। ओके, सो वी हैव लव पार्टनरशिप। सो लव लाइफ के लिए अमेजिंग टाइम आ रहा है। अगर सिंगल हो तो हाई चांस कि आपकी लाइफ में भी ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि आपके लिए बने हैं, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, इवन आपकी लव मैरिज भी हो सकती है आने वाले टाइम में। एंड अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू नो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या आपको वो लो फील करवा रहे हैं, या आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो अब जो है एज अ पार्टनरशिप आप दोनों वर्क करोगे, उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी और वो भी आपको इक्वली विद रिस्पेक्ट ट्रीट करेंगे। सो आपका लव बॉन्ड जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है। देन वी हैव फॉलो योर ड्रीम्स। तो आने वाले टाइम में आप अपने सपनों को फॉलो करने वाले हो, और इवन ये भी हो सकता है कि यू नो आपके पार्टनर जो है वो आपको पुश करें टू फॉलो योर ड्रीम्स। आपके जो भी सपने हैं जो आपने साइड में रख दिए हैं, या जो आप जिनको फॉलो करने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है, या यू नो आप दूसरों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो और अपने सपनों को इग्नोर कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो अब अपने ड्रीम्स को फॉलो करने वाले हो, आप अपने लिए कुछ नया फ्यूचर बनाने वाले हो, कुछ नया करियर पाथ आप चूज़ कर सकते हो अपने लिए। बट येस, आप अपने ड्रीम्स के ऊपर पूरा वर्क करोगे। देन वी हैव कम्युनिकेशन। सो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स
इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस टाइम। नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, नए कनेक्शंस आपके बन सकते हैं इस टाइम। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपको अगर किसी इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का वेट है, किसी कॉल का, किसी मैसेज का, किसी ईमेल का, तो वो चीज़ जो है वो आपको मिल सकती है इस टाइम फ्रेम में। और अगर आपको किसी न्यूज़ का वेट है तो वो भी आपको मिल सकती है यहाँ पे। बट येस, काफ़ी आप आउटगोइंग बन रहे हो, काफ़ी आप कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों के साथ, सोशल बन रहे हो, सोशल सर्कल बन रहा है आपका। सो येस, बातचीत जो है वो आपकी होती रहेगी विद इम्पॉर्टेंट पीपल। चलिए यहाँ से देखते हैं अब आपके लिए कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर टू। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स। येस, सो आपकी लव रिलेशनशिप काफ़ी हील हो रहा है, हीलिंग आ रही है आपके लव रिलेशनशिप में। एंड आई फील कि चाहे आउटसाइड वर्ल्ड कितने भी कोशिश कर ले आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए, बट आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी स्टेबल होके आप चला रहे हो, काफ़ी आप ज़्यादा ग्राउंडेड हो अपने रिलेशनशिप में। और आई फील ये भी है कि चाहे आपकी खुद की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर अब जो है अपना इमोशनल बैलेंस अब आप लूज़ नहीं कर रहे हो। ये नहीं है कि अब जो है आप अपने नो आउटसाइड इश्यूज़ के कारण आप अपना मेंटल पीस या इमोशनल पीस ख़राब कर रहे हो। आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि यू नो व्हाट यू आर फीलिंग कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अफेक्ट हो रही है, बिकॉज आप इमोशनली हैप्पी नहीं हो अपनी लाइफ में। तो आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हो, हीलिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में, इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, और प्रैक्टिकल बन रहे हो अपने रिश्ते में। और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप अपना जो एक मेंटल पीस या इमोशनल पीस है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। चाहे दुनिया में 10 तरह की प्रॉब्लम चल रही हो आपके आसपास, आप जो है अपना जो इमोशनल पीस है वो ख़राब नहीं कर रहे हो किसी के भी लिए। वी हैव 5 of Cups। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनको लेके अब तक परेशान हो, वो पास की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पास के कुछ रिग्रेट्स हो सकते हैं, कोई आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या कुछ काम थे आपके जो उस टाइम पूरे नहीं हुए, ठीक है, जो आपके कुछ प्लान्स फेल हो गए, कुछ चीज़ें आपको हासिल नहीं हो पाई पिछले टाइम में, यू नो कुछ पहले, तो आप उन चीज़ों को लेके बहुत परेशान हो, आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। या कुछ ऐसा सिनेरियो रहा आपकी लाइफ, कुछ ऐसे सीन हुए आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए बहुत इमोशनली टफ फेज था आपकी ज़िंदगी का, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि बस अब यही मेरी लाइफ की एंडिंग है और अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो आपको ना इस फेज से आप कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे अपने आप को खड़ा करना है, मुझे ना कोई इमोशनली फिर से खड़ा करना है, मेरी लाइफ एंड नहीं हुई है, मेरी लाइफ में अभी ढेर सारी चीज़ें करनी बाकी है मुझे, मेरी लाइफ में मुझे अपने सपनों को फॉलो करना है, और जो भी हुआ पास्ट में, जो भी हर्ट्स मिले मेरे को उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो अब ऐसा सोचो। देन वी हैव 5 of Wands एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कि आपकी काफ़ी लड़ाई भी चल रही है किसी के साथ, या तो ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली हो सकती है, खुद का फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, एनी वन। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना कि आप क्या वैसे बहुत इमोशनल पर्सन हो, बाय नेचर यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। अगर कुछ आपके आसपास ऐसा होता है तो सडनली वो आपको अफेक्ट करता ही करता है। ओके, और आप कहीं ना कहीं उस मैस का पार्ट बन जाते हो, आप नहीं चाहते हो फिर भी आप बन जाते हो उस मैस का पार्ट। सो आई थिंक कि ये जो नया चैप्टर है, आप अपने आप को इस मैस सिचुएशन से बाहर निकालोगे। आप सोचोगे लोग लड़ रहे हैं आपस में, लड़ते रहे, मुझे तो नहीं जाना उसका पार्ट बनने। जहाँ भी आपको फीलिंग आ रही है ना कि यार यहाँ पे तो कॉम्पिटिशन बड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे तो फालतू लड़ाई झगड़े ज़्यादा है, यहाँ पे तो फालतू का कॉम्पिटिशन ही है, तो आप अपने आप को वहाँ से दूर कर लोगे, क्योंकि आप भी बहुत शांति प्रिय इंसान हो और आपको ये सब नहीं चाहिए। कोई लड़ने की कोशिश कर भी रहा है आपके साथ तो भी आप इग्नोर कर रहे हो उस पर्सन को, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अब पीस चाहते हो, आप किंग ऑफ कप्स बनना चाहते हो, जो कि जिसके आसपास कुछ भी चल रहा हो, ऊपर नीचे सिचुएशन चल रही हो, लेकिन आप अपना जो इमोशनल पीस है, अपना जो दिमाग की शांति है ना, उसको आप स्पॉइल नहीं करना चाहते हो और आप नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको स्लो स्लो ये भी समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुद्दे हैं ज़िंदगी के, ये सब फालतू हैं, ये सब टाइम वेस्टिंग है, और इससे आपका बहुत प्रेशियस टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो अब आप कोशिश करोगे अपनी ज़िंदगी में कि अगर आपको फ़ाइट करनी ही है तो आप फ़ाइट करो फॉर गुड थिंग्स ऑफ योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर। आप
फॉर योर करियर, फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप वहाँ चीज़ों के लिए फाइट करोगे कि मैं वहाँ अपने एफर्ट्स लगाऊँ, मैं वहाँ अपनी एनर्जी लगाऊँ। सो आपका जो गोल रहेगा आने वाले टाइम में, वो रहेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल पीस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बोथ। ये बोथ जो हैं आपके, वो रहेंगे इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। और आप काफ़ी ग्राउंडेड, काफ़ी हम्बल बन रहे हो, काफ़ी केयरिंग बन रहे हो, काफ़ी हेल्पफुल बन रहे हो दूसरों के लिए। इवन फॉर सम ऑफ यू, अगर अगर ऐसा कुछ है आपका कि यू नो प्रेगनेंसी इशूज़ चल रहे हैं, तो अब जो है आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर पहले कुछ ऑप्शंस आपके फेल हुए हैं, तो अब आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। न्यू करियर ऑप्शंस भी आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं, न्यू जॉब ऑफर भी यहाँ पे आपके लिए है, न्यू करियर पाथ भी आपके लिए यहाँ है। बट यस, यहाँ पे मेंटल पीस है, फाइनेंशियल पीस है, इमोशनल पीस है, एंड यू आर फाइनली हैप्पी एंड कंटेंट विथ योर लाइफ की चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा तो नहीं था, बट जो हुआ वो ख़त्म हुआ और एक नया चैप्टर मेरी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, और अब मुझे इस नए चैप्टर को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है। तो आप काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, अब आपने फाइनली यू नो अपने आप को लव करना, अपनी वैल्यू करना आप सीख जाओगे, और आपको समझ में आएगा कि अपने आप को वैल्यू करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। तो आप वो कहीं ना कहीं सीखोगे और आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी, आप इन फालतू के लोगों से, फालतू के मुद्दों से अपने आप ही दूर हो जाओगे, बिकॉज आपका जो विजन होगा, आपका जो अटेंशन होगा, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा आपकी खुद की लाइफ को बनाने के लिए। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। ओके, वी हैव मनी विल बी कमिंग टू यू। सो यस, मनी, मनी वाइज वेरी ब्यूटिफुल पीरियड, फाइनली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, मनी अभी ज़रूरी है, मेरे को मनी अर्न करना है इस टाइम, ये जो मुद्दे हैं तो चलते ही रहेंगे, तो इससे मेरे को ध्यान नहीं देना है अभी। देन वी हैव सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। तो फाइनली नई शुरुआत, पास्ट को छोड़ के अब नई चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, नए आइडियाज़, नए अपॉर्चुनिटीज़, नई ग्रोथ, सक्सेस, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ। देन वी हैव डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। ये जो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी थी आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन वाली, ये कहीं ना कहीं अब दूर होगी धीरे धीरे करके। आपको खुद को अपनी वैल्यू समझ में आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, ये तो सही नहीं है, डिवाइन ने इतनी प्रेशियस लाइफ दी है और आई कैंट वेस्ट इट लाइक दिस ऑन स्टूपिड थिंग्स और अदर पीपल। सो कहीं ना कहीं आप धीरे 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 करके आपको वो रियलाइज होगा और आप एक न्यू बिगनिंग लोगे अपनी लाइफ में। देन वी हैव समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। तो ये एक लव फॉर्म में भी हो सकते हैं कि कोई न्यू लवर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सोलमेट हो सकते हैं ये आपके, या यू नो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करें, कोई गुरु, कोई न्यू फ्रेंड, ओके, कोई टीचर हो सकते हैं ये, या आप कहीं जॉब करने जाओ तो वहाँ कोई न्यू पर्सन आपको मिल सकते हैं जो कि बहुत अच्छे हों, यू नो नॉट इन अ लव रिलेशनशिप मैटर, बट यू नो एज अ गाइडेंस फॉर्म के फॉर्म में या दोस्त के फॉर्म में। बट यस, समबडी न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और इट कैन बी अ न्यू बेबी ऑल्सो, कि फाइनली यू नो एक आपको वो न्यूज़ मिल सकती है कि फाइनली यू आर प्रेगनेंट एंड योर बेबी विल बी कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। सो यस, किसी न्यू पर्सन की यहाँ एंट्री होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। चलिए लेट्स सी फ्रॉम योर ग्रुप नंबर टू। We have transition to a higher level of being, raising your vibrations, enlightenment. आप अपने अपनी energies को higher level पर लेके जा रहे हो, ओके, आप वो अब lower level वाली energies में operate नहीं करोगे, आप एक transition हो रहा है आपका, आपको खुद को समझ में आ रहा है कि यार मैं अपनी बहुत low frequency में हूँ, मुझे अपनी energies को बढ़ाना है, तो अपनी energies को आप बढ़ा रहे हो, आपको enlightenment हो रहा है, आप spiritual बन रहे हो, आप अपने ऊपर focus कर रहे हो, अपनी self growth के ऊपर focus कर रहे हो, तो ये आपका मोटिव रहना चाहिए। विशेज कम ट्रू, रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेज। आपकी जो इच्छाएं हैं वो जल्दी जल्दी पूरी होंगी अब, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है वो कि आप कितने एफर्ट्स लगाते हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने पास से बाहर निकल चुके हो। सो पास से बाहर निकलो, नए लाइफ के बारे में सोचो, और आपकी इच्छाएँ जो हैं वो जल्दी जल्दी पूरी होंगी। लास्ट वी हैव इज वाटर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। सो आई फील कि आपकी लाइफ में वाटर एलिमेंट की बहुत कमी है इस टाइम, या तो पानी कम पी रहे हो, या यू नो आप फ्लूइड्स कम ले रहे हो अपनी लाइफ में। सो वाटर एलिमेंट को बढ़ाओ अपनी ज़िंदगी में, तो उससे क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं आपके जो
दिमाग में जो नेगेटिविटी चल रही है ना कहीं दूर होगी, ठीक है। सॉल्ट वाटर बाथ विल बी गुड फॉर यू। सो आपकी लाइफ में हीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। आपको पास्ट को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। सो आप वाटर थेरेपी भी कर सकते हो, आप वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो यू नो, जितना हो सके अपनी लाइफ में वाटर एलिमेंट को इंक्लूड करो। सो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस टाइम। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। बस अपने पास से बाहर निकल के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट करो। ओके, सो ग्रुप नंबर टू, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प गाइडेंस मिली हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। बाय, टेक केयर।